बनाएंगे बिना दाल के सूजी के दिल कसार की चक्की। उसके लिए हमने 3 कप बेसन ले लिया है, 1.5 कप चीनी ले लिया है। बेसन में 3 बड़ा चम्मच घी का डालेंगे। इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक मीडियम डो तैयार कर लेंगे। डो बहुत ज़्यादा कड़ा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। एक मीडियम डो तैयार करेंगे। पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें, एक बार में ज़्यादा पानी ना डालें, उससे आटा सॉफ्ट हो सकता है। इस तरह मीडियम डो तैयार करके अब इसका हम मुठिया तैयार कर लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा डो ले और इस तरह इसका शेप दे दें। सारे मुठिया को इसी तरह तैयार कर लें और एक तरफ घी गर्म करने के लिए रख दें। दो कप घी कम से कम गर्म करने के लिए रखें ताकि उसमें ये आराम से फ्राई हो जाए। घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम मुठिया डालेंगे। फ्लेम को एक बार मीडियम में कर दें। और मीडियम हाई करते हुए इसे फ्राई करें, बिल्कुल लाल होने तक इसे फ्राई करें। और फ्लेम को मीडियम हाई करते हुए इसे फ्राई करें। उलट पलट करते रहें बीच बीच में ताकि दोनों ओर से ये अच्छी तरह से सीके। ये लाल होना शुरू हो चुका है, इसी तरह इसे पूरी तरह से लाल होने दें। उलट पलट करते रहें, दोनों ओर से अच्छी तरह से लाल होने दें। इस तरह अच्छी तरह से सिक जाने पे इसे निकाल लें और इसी तरह सारी मुठिया को फ्राई कर लें। इन्हें इस तरह तोड़ के रखेंगे ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए और इसे हम पीस सकें। मुठिया ठंडा हो चुका है, अब इन्हें एक मिक्सी के जार में डाल के पीस लेंगे। इन्हें बहुत ज़्यादा बारीक नहीं पीसना है, दरदरा ही पीसना है। जैसे कि सूजी रहता है उस तरह इन्हें पीस लेना है। इस तरह इसे देखिए दानेदार पीस लें। अब फिर से एक कढ़ाई में 1.5 कप घी डालें। हमने वही घी डाला है जिसमें मुठिया को फ्राई किया था, उसे छान लिया है और एक कढ़ाई में डाल दिया है। ये करीब 1.5 कप घी है। घी गर्म होने पर हमने जो मुठिया पीसा है उसे डालेंगे। फ्लेम को बिल्कुल लो में कर लेंगे और इसे लो टू मीडियम करते हुए ब्राउन होने तक सेकेंगे, लगातार चलाते हुए सेकेंगे। इस तरह इसे चारों ओर से इकट्ठा करते हुए और लगातार चलाते हुए सेकें। अच्छी तरह से इसका कलर चेंज हो तब तक सेकें और फ्लेम को लो टू मीडियम रखें, हाई फ्लेम में इसे ना सेकें। दाल सिक चुका है, इसका कलर भी चेंज हो चुका है और ये घी भी छोड़ चुका है अच्छी तरह से। अब इसमें हम 200 ग्राम खोआ डालेंगे। ये ताज़ा खोआ है इसीलिए इसे हम ऐसे ही डाल रहे हैं। अगर खोआ फ्रिज में रखा हो या कड़ा हो तो उसे ग्रेट करके डालें, वरना
ये इसमें मिलेगा नहीं। इसे खोआ को डाल के 2 से 3 मिनट और सेक ले ताकि खोआ भी थोड़ा सिक जाए। ज़्यादा नहीं सेकना है, मीडियम फ्लेम में ही बस 2 से 3 मिनट खोआ को सेक लेना है। इसे चलाते हुए लगातार सेके ताकि खोआ जल ना जाए। खोआ आपकी मर्जी है, आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने 200 ग्राम डाला है तो आप 200 ग्राम ही खोआ डालें, आप चाहें तो थोड़ा कम डाल सकते हैं, पर खोआ से इसका टेस्ट अच्छा आता है। इस तरह लगातार चलाते हुए इसे सेके चारों ओर से घुमाते हुए खोए को सेक लें। देखिए हमारा ताज़ा खोआ था तो इसमें बड़ी आसानी से मिल चुका है। ये घर का निकला हुआ खोआ है। खोआ घर पे कैसे निकालते हैं ये आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, शिवा मोना की रसोई में। घर पे बड़ी आसानी से खोआ निकल जाता है और बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल प्योर खोआ निकलता है। इसे सेकते हुए 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। अब गैस को बंद करेंगे और इसे एक प्लेट में निकाल के रखेंगे। अब फिर से इस कढ़ाई में हम 1.5 कप चीनी लेंगे। हमने 3 कप बेसन लिया था तो उसका आधा 1.5 कप चीनी लेंगे और 1 कप पानी डालेंगे। इन दोनों को डालकर चीनी को पिघलने देंगे। फ्लेम को हाई में रखेंगे, बीच बीच में इसे चलाते रहेंगे जब तक चीनी पिघल नहीं जाती। चीनी पिघल चुकी है, अब इसे हम 1 तार की चाशनी बनने तक इसी तरह सिझाएंगे। हाई फ्लेम में ही रखेंगे ताकि जल्दी से ये चाशनी बन जाए। चाशनी हो चुकी है, 1 तार की थोड़ी गाढ़ी चाशनी तैयार करनी है। उसके लिए इस तरह हम देखेंगे, उंगली में थोड़ी सी चाशनी लेंगे और इस तरह करेंगे तो देखिए 1 तार की ये गाढ़ी चाशनी तैयार हो चुकी है। गैस को बंद करेंगे। अब इसमें थोड़ा सा सैफ्रन कलर, केसरिया फूड कलर डालेंगे। 1 पिंच केसरिया फूड कलर डालेंगे और 1/2 छोटा चम्मच इलायची पाउडर डालेंगे। इसे डाल के मिला लेंगे। गैस को बंद कर दें। अब इसमें हमने जो बेसन सेका था वो डालेंगे। इसे डालकर लगातार चलाते रहेंगे 2 से 3 मिनट। इसे इसी में इस तरह लगातार चलाते रहें ताकि इसके दाने चाशनी में अच्छी तरह से भीग जाएं और ये सॉफ्ट बने। इस तरह चलाने से चक्की सॉफ्ट बनती है। 2 से 3 मिनट इसे इस तरह चलाएं। इससे ये अच्छी तरह से मिल भी जाएगा और चक्की भी सॉफ्ट बनेगी। इसे अच्छी तरह से चलाएं। अब एक चक्की बनाने वाली ट्रे में या फिर ट्रे ना हो आपके पास तो कोई प्लेट में इसे डालें। और अच्छी तरह से फैलाएं। जितनी मोटी आपको चक्की बनानी हो उस हिसाब से इसे फैलाएं। इस तरह अच्छी तरह से इसे इक्वल कर लें, लेवल कर लें। इस तरह पूरा लेवल करके अब इसके ऊपर हम वर्क लगाएंगे।
वर्क आपकी इच्छा हो तो लगाएं, वरना न लगाएं, जरूरी नहीं है वर्क लगाना, पर वर्क लगाने से ये दिखने में सुंदर लगता है, अच्छा लगता है। किसी को सर्व करो तो, किसी को दो तो ये दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। अब इसे जमने के लिए एक घंटे के लिए इसी तरह छोड़ दें ताकि ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए और जम जाए, उसके बाद इसे हम काटेंगे। एक घंटा हो चुका है, चक्की अच्छी तरह से जम चुकी है और ठंडा भी हो चुका है। अब इसे हम काटेंगे। आप अपने इच्छानुसार साइज और शेप काट सकते हैं, इस तरह से काटें। हम स्क्वायर शेप में काटेंगे इसके सारे की चक्की, ज़्यादातर स्क्वायर शेप में ही आती है। अब इस साइड से काटें। साइज बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी ना काटें, तो छोटी साइज ही रहती है चक्की की। दिल कसार की चक्की तैयार है। इसे बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए दाल की सूजी भी नहीं चाहिए और बहुत ही आसानी से बन जाता है, बहुत ही जल्दी बन जाता है। देखिए इसका कलर बिल्कुल उसी तरह का आया है और खाने में भी ये बिल्कुल उसी तरह का, बिल्कुल ही टेस्ट में दिल कसार की चक्की के जैसा लगेगा। इसे इस तरह बनाएं, खाएं और सबको खिलाएं।